All right, यहाँ पे सारे फैंस आए हुए हैं और अब हम चाहते हैं कि हम आप लोगों से खुद जाने कि हाउसफुल फोर पे काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा. प्लीज कृति, विल स्टार्ट विद यू. पहली तो सबको नमस्ते एंड आई होप यू ऑल लव द ट्रेलर. वी लव इट. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. पहली बात तो आप सब इधर आए उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू. सेकेंड ऑफ ऑल, यू नो वॉट, इट्स द मेन नेम्स ऑफ कोर्स विच वी नीड टू थैंक, वी डू थैंक, बट दिस इज वन ऑफ दोज फिल्म्स वेयर द एंटायर यूनिट, एवरीबडी, वी वर्क डे एंड नाइट एंड आई वॉन्ट कंग्रेचुलेट द एंटायर टीम. उनका टीम एफर्ट दिख रहा है यहाँ पर. ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है एंड आई थिंक इट्स गोना लुक फैंटास्टिक एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट एंड द ट्रेलर एंड आई होप यू ऑल एंजॉय द फिल्म. आई हैव हैड द बेस्ट टाइम. आई फाइंड माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इस मूवी में काम करने का मौका मिला है. आई एम अ पार्ट ऑफ हाउसफुल. आई मीन इट्स काइंड ऑफ अनरियल. सो थैंक यू. पूजा क्या कहेंगी? पहले तो धन्यवाद मीडिया वालों को कि देव एक्चुअली आई एम वॉचिंग देम, देवर डांसिंग वाइल द सॉन्ग वॉज प्लेइंग, सो थैंक यू. बट आई थिंक ये फिल्म शूट करते वक्त हमें इतना मज़ा आया है कि वो फिल्म में ट्रांसलेट हो रहा है एंड इट्स अ वेरी वेरी लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म विच इज़ गोना रिलीज ऑन दिवाली एंड टेक योर फैमिलीज वॉच इट एंड इट्स गोना बी अ लाफ रायट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल. And thank you to Nadia, sir, Akshay, sir, for, you know, giving me this opportunity to be a part of the film. Just, y'all are going to enjoy so much. Y'all are going to laugh a lot. So I think y'all are going to have a lot of fun. All right, Kriti Sanon, kya kehna hai? Sanon. Mera itna man karta na, tumhe ke Sanon ka non ho jata hai. Kyunki mera mon kar raha tha. Anyway, bole, please. Pehli baat to trailer kaisa laga? हैप्पी दिवाली लग रही है? हाउसफुल वाली लग रही है? सो आई फील अक्षय वाली लग रही है? वाओ, सबकी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है हमें. अच्छा, एक सेकंड आ रहे हैं, वहां तक भी आ रहे हैं. ओके जी. आई फील आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग फॉर दिस फिल्म एंड ऐसा लग रहा था हम हॉलिडे पे थे, मस्ती कर रहे थे और मस्ती करते करते हमने शूट कर लिया फिल्म एंड आई थिंक दैट फन इज एक्चुअली विजिबल ऑन द स्क्रीन एंड आई होप यू ऑल हैव लव्ड द ट्रेलर एंड यू ऑल विल लव दिस फिल्म ऑल्सो. रीइनकार्नेशन कॉमेडी I don't think कहीं पे भी बनी है, कहीं पे भी की गई है. ये बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है और आई एम सो हैप्पी दैट साजन अगरवाला सर एंड द इंटायर टीम सॉर्ट ऑफ केम अप विद दिस एंड बहुत मेहनत गई है बट आप सबके लिए है. सो प्लीज हैव फन ऑन दिवाली विद हाउसफुल 4. बॉबी सर आप क्या कहेंगे? बॉबी साहब माइक नहीं. एक मिनट माइक लाया नहीं. माइक लाए हैं और क्या क्या छुपा रखा है मोरी में. Bobby, are you sure you want to talk with that? Haan, ye mic theek hai. Kaise hain sab log? Oh! Chalo, main to bahut khush hu sabko dekh ke yahan par aur hamare teenon khoobsurat heroine ne itni khushi zahir kar di hai, itna keh diya inhone, to main ye keh sakta hu ki mujhe jo mauka mila aaj is film mein ek hissa banne ka, I am very grateful and thankful to the whole team. Sajid, thank you so much for having me in this film. Acche bhaiya, thank you so much and I'm just glad that I get to be a part of this film and to have all the fun which Hausfull always has and Hausfull 4 is a crazy film with jaise aap hamari outfits dekh rahe hain aap samajh hi gaye honge itni garmi mein ghoom rahe is waqt to lekin shooting ke dauran bhi jo garmi thi aapko pata nahi.
एनीवे थैंक यू सो मच. और मैं मौका देना चाहता हूँ हमारे बांगरू महाराज जी को जिन्होंने मुझे अपना माइक दिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सबसे पहले बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप लोग मेरा नाम चिल्लाते चिल्लाते थके नहीं. और मैं चाहता हूं कि आप अक्षय का भी नाम चिल्लाएं, उनको बहुत बुरा लग रहा है. जब से आए हैं आप सिर्फ मेरा नाम चिल्ला रहे, बॉबी का नाम चिल्ला रहे, बट आई लव अक्षय कुमार स्पीयर हेडिंग दिस फ्रेंचाइज एंड प्लीज एक बार हो जाए अक्षय अक्षय अक्षय. थैंक यू वेरी मच. लेकिन हाउसफुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी है मेरे लिए. मेरे करियर की सबसे बड़ी जर्नी रही है और पिछले 12-15 सालों से आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव वर्कड विथ साजिद भाई एंड माई डियरेस्ट फ्रेंड अक्षय. एंड नाउ इट्स दे आर लाइक फैमिली टू मी. तो मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं इनके ऑफिस जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं घर पे आया हूँ. सो थैंक यू सो मच साजिद भाई फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल वंडरफुल जर्नी. आई वॉन्ट टू थैंक अक्षय राइट फ्रॉम हे बेबी टू हाउसफुल 1, 2, 3 एंड नाउ 4. इट्स बीन ग्रेट. बॉबी हैव बीन वर्किंग विथ हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट दिस इज माई थर्ड फिल्म एंड द वंडरफुल एंड माई ब्यूटिफुल को स्टार्स ऑल थ्री ऑफ देम. इट्स बीन सच अ प्लेजर वर्किंग विद देम फॉर द फर्स्ट टाइम वर्किंग विद देम. सो इट्स बीन ग्रेट. असोसिएटिंग फॉक्स इज ऑलवेज बीन फन एंड थैंक यू सो मच. आई शपथ तुम्हाला मजा येणार आहे यावेळेस. पर बांगडू महाराज I really want to know क्या क्या छुपा रखा है उस तहखाने में और क्या क्या छुपा रखा है उस तहखाने में. कभी आओ हमारे हवेली. All right, अब मैं चाहूंगा बात की जाए अक्षय सर से. हेलो नमस्ते. सबसे पहले आप सभी का पीछे जितने भी फैंस हैं जितने भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इतने दूर दूर जगह से आए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का. और साथ में आप लोगों को बताऊं कि ये लाइव जा रहा है. दुबई से कई लोग बैठे हुए हैं. नमस्कार. हेलो एवरीवन. मेलबर्न गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर फॉर सपोर्टिंग आवर मूवी. एंड Where is और कहाँ है? लंदन भी तो था ना. लंदन कहाँ गया? लंदन. हेलो लंदन. थैंक यू वेरी मच. ओके तो जैसे आप जानते हैं कि हमारे इस फिल्म का जो लीडर है वो है साजिद नाडियाडवाला साहब. जोरदार तालियां साजिद नाडियाडवाले के लिए. इसका और मेरा रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है. हम दोनों साथ में पाठशाला साथ में जाया करते थे. अच्छा जब तक स्कूल में बोलूं तब तक समझ नहीं आएगा. और ये स्कूल बैग नहीं दफ्तर लेके जाते. बिल्कुल. तो हम मैं और ये साथ में पाठशाला जाया करते थे. हम दोनों 255 नंबर की ट्रेन मतलब बस पकड़ते थे. और आज देखो हमारी जर्नी कितनी फिल्में हो गई तेरी मेरी 12-15. क्या बात कर रहे. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी वजह से मेरा किचन चलता है. इन्हीं की वजह से मेरा किचन चलता है. मेरे घर वालों की मेरे बच्चों की पढ़ाई होती है. सबके सबका सब बिजली का बिल भरते हैं ये हमारे. तो चलिए ये तो रहे हमारे नाडियाडवाला साहब और साथ में रितेश देशमुख जिनके साथ मैंने पता नहीं कितनी फिल्में की हैं. इनके साथ हमेशा दुख सुख सब बांटता हूं मैं. इनके साथ बैठ के बातें बातें करता हूं. बहुत मेरे अच्छे करीबी मित्र हैं. फिर साथ में बॉबी साहब हैं. इनके साथ मैंने करीबन 3 फिल्में पहले कर चुका हूं. दोस्ती मनीष ओए अजनबी और वतन. अब तुम्हारे हवाले वतन साथी. और थैंक यू. नहीं इसका मतलब मेरे साथ जो है 2 कृति. मैंने आज नाम सही बोला है नहीं तो हमेशा गलत बोलता हूँ. कीर्ति बोल देता हूँ.
लेकिन आज सही बोला है। और दूसरी पिक्चर में जहाँ पे कीर्ति थी वहाँ पे कृति निकल रहा था। हाँ, वहाँ पे कृति निकल रहा था। ये सुंदर सुंदर लड़कियाँ, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूजा, एक ही पूजा, एक ही पूजा। और अब मैं आपको मिलाना चाहता हूँ एक ऐसे इंसान से जिसकी वजह से हमारी ये जो हाउसफुल फोर है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड खत्म हुआ, उसके बाद फोर्थ पे आए, वो एक ऐसे इंसान है। आ जाओ, फोन पे मत रहे।